नमस्कार, मैं राखी गुजर और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से 18 पर मोहर लग चुकी है, वहीं एक प्रस्ताव टाल दिया गया है। गरीब बच्चों की शुल्क की प्रतिपूर्ति बढ़ाई। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हर महीने फीस 1383 रुपए से बढ़ाकर 1893 रुपए तय की गई है। प्रदेश के 3900 प्राइवेट स्कूलों में RTI के तहत गरीब परिवारों के 90,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उम्र कैदी महिला पुरुष की सजा एक समान। आजीवन कारावास के तहत अब अधिकतम 14 साल की सजा होगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित सिद्ध दोषी बंदियों की सजा माफी, समय पूर्व मुक्ति के लिए स्थायी नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। अभी महिलाओं के लिए 14 साल और पुरुषों के लिए 16 साल की सजा का प्रावधान है। अब सजायाफ्ता कैदियों को अच्छे आचरण, आयु और अपराध प्रकृति के हिसाब से कभी भी छोड़ा जा सकेगा। अभी ऐसे कैदियों को 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही रिहा करने का प्रावधान है। अवैध निर्माण पर सजा खत्म, जुर्माना बढ़ाया। प्रदेश में अब अवैध निर्माण या भवन निर्माण में मानकों की अनदेखी करने पर सजा नहीं होगी, लेकिन पहले से अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लाए गए उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी तरह मत्स्य कानून में भी सजा प्रावधान हटा दिया गया है और इसमें न्यूनतम 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी। 4,867 करोड़ का अनुपूरक बजट को मंजूरी। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट की पूर्ति के लिए 4,867 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी है। पहाड़ में गैर शहरी क्षेत्रों में भवनों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आएगी नई नीति। कैबिनेट में पर्वतीय क्षेत्रों के उन इलाकों में भवनों की ऊंचाई बढ़ाने की नीति पर चर्चा की, जो नगर निकायों या आवास विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं आते हैं। चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए टाल दिया गया। रोडवेज की जमीन पर बनेगी ग्रीन बिल्डिंग, बदले में बस अड्डों को मिलेगी भूमि। देहरादून में रोडवेज की कार्यशाला की भूमि पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एकीकृत 8 मंजिला हरित भवन बनेगा। इस भवन में एक ही जगह पर 17 विभागों के दफ्तर होंगे। बदले में सरकार रोडवेज को सभी बस अड्डों की सरकारी भूमि देगी। भूमि जून 2023 तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी जाएगी। बैंक गारंटी देनी होगी। आवासीय परियोजनाएं बनाने वालों को अब बैंक गारंटी देनी होगी। अब उन्हें 15% भूमि प्राधिकरण में बंधक नहीं रखनी होगी। इसके बदले भूमि लागत की 15% बैंक गारंटी देनी होगी। वीर सैनिकों व वीरांगनाओं को बसों में मुफ्त यात्रा। कैबिनेट ने अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र व शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है।